क्राइम ब्रांच सेल टीम विरार ने 4 साल से फरार बलात्कार के आरोपी को हरिद्वार उत्तराखंड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि नाला सुपारा पश्चिम स्थित यशवंत गौरव में 16 सितंबर 2021 को जब पीड़िता घर में अकेली थी, उसी समय आरोपी अनिल वेडलान ने हाथों से पीड़िता का मुंह दबाया और चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था तथा इस घटना की जानकारी किसी को भी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी और तब से आरोपी फरार चल रहा था। वहीं पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जुट गई थी। वहीं पुराने आपराधिक मामलों में अपराध शाखा कक्ष 3 द्वारा समांतर रूप से आरोपी की खोज की जा रही थी, जिस पर इस मामले में क्राइम ब्रांच सेल 3 की पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बिड़लान उत्तराखंड के हरिद्वार में अपना अस्तित्व छुपाकर बैठा है, जिस पर क्राइम ब्रांच सेल 3 की टीम मुखबिर द्वारा प्राप्त पते पर पहुंचकर आखिरकार 4 साल बाद दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने में सफल रही तथा उसे पकड़कर नाला सुपारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह संपूर्ण कार्रवाई वरिष्ठों के मार्गदर्शन में क्राइम के पुलिस निरीक्षक प्रमोद बड़ाक, उप पुलिस निरीक्षक उमेश भागवत, पुलिसकर्मी अशोक पाटिल, मनोज चौहान, सचिन घेरे, मुकेश तटकरे, सागर बारोकर, अश्विन पाटिल, राकेश पवार, सुनील पाटिल, युवराज वागमोड़े, सुमित जाधव, मनोज तारड़े, तुषार दड़वी, आतिश पवार, प्रवीण वानखेड़े, गणेश यादव, सागर सोनावड़े, संतोष चौहान के द्वारा सफल रही। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।